गाइस, तो ये रक्षाबंधन के एक दिन पहले का है और मैंने रसगुल्ले की प्रिपरेशन करी जो मैंने होममेड बनाए थे घर पे। और ये देखिए, मैंने जो रसगुल्ले वाला पाउडर आता है मैंने उससे बनाए हैं और बहुत अच्छे रसगुल्ले बने थे और बहुत टेस्टी बने थे। तो देखिए, मैंने घर पे ही बनाए थे इन्हें और बहुत ही एक एक रसगुल्ला बहुत अच्छे से एकदम सॉफ्ट और अच्छा सा बना था। जो बॉमिनो का आता है मैंने उससे बनाए थे। तो मेरे रसगुल्ले बन के तैयार, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग आज 12 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं। तो मॉर्निंग में मेरा सारा काम हो चुका है, बस अभी दोपहर का लंच बनाना है और हम तैयार हो गए हैं राखी बांधने के लिए। तो गाइस, कैसी लग रही हूँ मैं? देखिए गाइस, तो ये मैंने सूट लिया है रक्षाबंधन के लिए और मैंने भगवान को सबको राखी बांध ली थी सबसे पहले सुबह, और भाई को भी राखी बांधूंगी जल्दी से ही। तो गाइस, बने रहिएगा ब्लॉग में आज, क्योंकि आज ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, और अच्छी अच्छी चीज़ें और क्या क्या मैं लंच में बनाऊंगी वो सब कुछ आपसे शेयर करूंगी आज। तो प्लीज़ ब्लॉग में आगे बने रहिएगा, और अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। इसमें डाल लेंगे इसके लिए 70 लाख रुपए चाहिए। ये आरती दीदी की राखी है, बहुत नारियल है। बस यही खाएंगे, आप सब खाएंगे चॉकलेट। ये है सानू की राखी। ये 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 मतलब ये मेरी राखी है। सभी बोल लो कि हमारी वाली की नहीं वाली, हमारी वाली की नहीं वाली है कि नहीं बता दे। अब गौरी की राखी, दो ये गौरी, ये गौरी की राखी हम ले लें। हम ले ले, ये बढ़िया है, इसमें फूल एक और है। ये गौरी की राखी, ये गौरी की राखी, और अब ये मिट्टी की राखी। नारियल पकड़ो पकड़ो, अच्छा ये लो बबुआ, ये मिट्टी की राखी। मिट्टी के बिना नारियल पकड़ा, राजे के बिना नारियल पकड़ा, जो उसके में होता होगा ना, उनके लिए होता है।
ये है बिट्टी की राखी और ये है गोलू की राखी। इतनी बहने खत्म नहीं हुई अभी तक, दो और कड़ी है। एक जमाना हुआ था जब रोजी कोली बाबा यहाँ तक हाथ बढ़ जाता होगा। पहले बड़े बड़े राखी आती थी, फूल वाली माया मौसी अंजु मौसी, ये गोलू जी की राखी। गोलू जी की उल्टे काने दिवा लाइन से मांग गोलू तो मोटी गोलू दागा लाइन जोर तक कर रहे। ये किसकी राखी, ये किसकी राखी, रानी किसकी, आरती की सानू की गौरी मौसी की थी, ये गौरी मौसी की, गौरी मौसी की थी और ये बिट्टी की नीचे रुमाल और ये गोलू की। पानी ले ग्लास, पानी पिला दिया मेरे राखी के बंधन को थोड़ा नाच के दिखाओ ऐसे नहीं। मेरी छोटी बड़ी बहन को ना भुलाना भैया मेरे, डेढ़ करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देना भैया मेरे, 75 करोड़ मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। दो राखी। अच्छे से बनाना बाबा, तुम बना दे, एंजल बना नहीं पाई अच्छे। हाँ बनाया है अच्छे से। एंजल इसको पानी दे, तो पानी मांग रहा है। मैं आईफोन पकड़ लो। हाँ मैं आई को ये फोन पकड़ लो, ये लीजिए आप अपना, ऐसे रहे आप इसी तुम्हारे काम। मैं आई कोई फोन पकड़ लो। मना बनाओ बुआ तुम। शांत रहो अच्छा। ये किसकी राखी, ये है मेरा ईसु भैया, बउआ को पता है। सही में पतला सा था, झूठो से झूठ पे हो गया इतना से इतना मार रहा है। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भूला, छोटी बड़ी रुमाल तो रखा है। गाना गा भैया मेरे, जल्दी से मेरे लिए लड़का ढूंढ लाना, मेरी शादी और तुम कहो जल्दी मेरे लिए लड़की ढूंढ लाना। अगले बार अगली साल दो लोगों को राखी बांधना है एक साथ है नेहा, और तुम किसी के साथ आना राखी बांधने के लिए। भगवान को नहीं बनाई राखी, मैंने बांध दिए भगवान का।
इधर आजा, पंखे के नीचे खड़े हो जा। सरक रही तो इसमें देखो कोई चम्मच होगी, इसमें थोड़ा सा देसी घी निकाल लो, फ्रिज में से रखा है, अच्छा लग रहा है हैं? थोड़ा सा ढीला है, फिटिंग करा अभी हमने कहा धोने के बाद एक बार फिटिंग करा लेंगे थोड़ा सा। शाम को ले जाएंगे कहां से? अभी शाम को लेके। हां तो वो कहते चुन्नी भी देखो कितनी अच्छी है ना, मन कपड़ा देखो नीचे ये एक मिल के बना ले। हां अच्छे मिलते हैं कपड़े, कहते सुशी मिलते हैं। आहा, कितनी सारी राखी बन गई है मेरी, ये लास्ट राखी है प्रिया की, है प्रिया देखो जरा स्माइल देखा प्रिया जरा देखा बुआ कितनी राखी बन गई है। अरे बबुआ की तो जीते रहो सदा स्मरण रहो। अरे मिठाई तो खिलाई पानी बोला मुझे पूरा खिलाना जी का मीठा पसंद है। अरे वाह एंजल की। तो गाइस ये लीजिए, हम लोगों का फोटो शूट स्टार्ट हो गया है और थोड़ी सी फोटोज हम लोगों ने क्लिक करी है, और बिना सेल्फी के तो कोई त्यौहार ही नहीं रहता है ना, तो सेल्फी तो क्लिक करना बनता है। तो हम सबने मिलके बहुत सारी सेल्फीज क्लिक करी है, थोड़ी सी सेल्फीज मैंने आपके साथ शेयर करी है, आप भी इंजॉय करें हम लोगों की सेल्फीज को। तो गाइस ये मेरी दोनों बुआ की बेटियां हैं, और मेरी बुआ यहीं गुड़गांव में रहती हैं और ये बेटा है उनका, तो मैं उसको भी राखी बांधती हूँ, और जो मेरे बगल में वो मेरा भाई है। तो इस तरीके से हमने रक्षाबंधन का त्यौहार खूब अच्छे से मनाया। तो गाइस आज मैंने लंच में बनाया था दाल की कचौड़ी, बूंदी का रायता, थोड़ी दाल बची तो मैंने उसके थोड़े दही बड़े भी बनाए थे, और मैंने बनाया था आलू टमाटर की सब्ज़ी, और रसगुल्ले की रेसिपी मैंने आपसे शेयर करी है। और देखिए आज भगवान भी कितने खुश थे, दो दो इंद्रधनुष निकले थे तो हमें वो भी देखने का मौका मिला, और काफ़ी देर हमने इन्जॉय किया इंद्रधनुष को, बच्चों ने भी खूब अच्छे से इन्जॉय किया। और देखिए दो निकले थे, बादल आने की वजह से दोनों चले गए फिर धीरे धीरे, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था देखने में, तो मैंने थोड़ा सा शूट किया आप लोगों के लिए। तो गाइस हर घर तिरंगे का जो भी अभियान है वो मैंने भी पूरा किया, और अपने घर में अच्छा सा तिरंगा लगाया, और जो चांदनी रात में देखी कितना अच्छा शाइन कर रहा था। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ओके बाय, गुड नाइट।